कॉफ़ी डे है एंड वी आर इन टू कॉफ़ी बिजनेस. हमारा ब्रांड है विंटेज वैली कॉफ़ी. वी आर हेयर सिंस 1890 फ्रॉम जनरेशन बेसिकली. और ये कॉफ़ी आती है कूर्ग से, डाउन इंडिया कर्नाटका से आती है ये. एंड कूर्ग कॉफ़ी इज़ नोन एज द बेस्ट शेयर्ड कॉफ़ी इन द वर्ल्ड. आज इंटरनेशनल डे है इसलिए हम लोग ये लॉन्च किए. अपार्ट फ्रॉम लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स, हमारा एक और ब्रांड है लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स जो कमला मिल में, इट इज़ द बिगेस्ट बार इन इंडिया. वहाँ पर भी विंटेज वाली कॉफ़ी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. सर, साथ में ये जगह में ही सर्व करने होने वाला है तो? जी, इट्स गोइंग इन ऑल द रेस्टोरेंट्स, इन ऑल द कैफेज. हमारे अलावा भी काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं जिनको हम सप्लाई करेंगे ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रॉड. तो यूएसपी क्या है, यू नो कॉफ़ी यू नो इज अवेलेबल एंड इंडिया इज रियली अडॉप्टिंग द कॉफी कल्चर. द स्पेशल अबाउट विंटेज वैली ये है कि हमारा खुद का फॉर्म है. वी ग्रो, वी पिक, वी प्रोसेस, वी रोस्ट, वी डू एवरीथिंग इन हाउस. इसलिए ये स्पेशल है हमारे लिए और लोगों के लिए जो लोग भी पी रहे हैं. आज तक हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे अब्रॉड, सो आई थॉट लेट्स डू इट इन इंडिया, गेट दिस ब्रांड, लेट्स डिस्ट्रीब्यूट इन इंडिया, लेट एवरीवन हैव इट, द गुड क्वालिटी कॉफ़ी. तो इसलिए हमारे लिए बहुत स्पेशल है बिकॉज वी ग्रो, वी डू इट फ्रॉम द स्क्रैच. रवि जी, फूड, बेवरेज, नाइट लाइफ और अब कॉफी, ये पूरा ट्रांसफॉर्म. या जस्ट इट वाज लाइक कुल्फी विद पाम. सो वी वन डे वर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट इट एंड वी थॉट लेट्स मेक इट अ ब्रांड हियर. वी हैव सच अ गुड नेटवर्क एंड ऑल, सच अ गुड सेटअप. सो वी इंट्रोड्यूस इट. Started from a small level. Now we are planning some big for it. Yeah, we will start beans also, like in malls and all, like to sell the beans. Apart from that, restaurants to hai. Then we will launch cafes also, especially like Starbucks and all, like Vintage Valley cafes. And all. That is the whole planning we have now for the Vintage Valley. कॉफी में मेहनत बहुत लगती है फार्मिंग में. इट्स नॉट ईजी के बस आगे लग, लाइक वी आर द फार्मर्स, आई एम अ फार्मर, आई एम फ्रॉम अ फार्मिंग फैमिली. वी ग्रो कॉफ़ी फ्रॉम द स्क्रैच. और कॉफ़ी हर साल एक टाइम आती है विच इज़ इन जैन और फेब, वेयर वी गो फॉर द पिकिंग बेसिकली टू कूर्ग. एंड कॉफ़ी इज़ द सेकेंड बिगेस्ट कमोडिटी इन द वर्ल्ड. देखा जाए तो 70% पीपल ड्रिंक कॉफ़ी एंड 30% ड्रिंक टी अकॉर्डिंग टू द सर्वे. आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटायर वर्ल्ड. सो इट्स गॉट अ ह्यूज डिमांड नॉट ओनली इन इंडिया, इन अक्रॉस द वर्ल्ड, everywhere basically. तो that's why we decided मैं और नवीन भाई के विंटेज वैली को सब जगह लेके जाएँ. ये विंटेज वैली भी नाम क्यों रखें, क्योंकि द होल फॉर्म इज़ विंटेज, इट्स फ्रॉम जनरेशन्स. काफ़ी सालों से हम लोग कॉफ़ी में ही हैं, काफ़ी बिजनेस कर रहे हैं. बेसिकली हमारे आउटलेट्स लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स ये है, लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स कमला मिल, जलवा, डियाब्लो, फ्लाइंग सॉसर. देन इन दिल्ली में ऑलमोस्ट 30 रेस्टोरेंट्स हैं जो हर आउटलेट में जाएगा. हमारे अलावा भी आर कंपनी आल्सो विल बी सप्लाइंग टू ऑल अदर आउटलेट्स, फाइव स्टार होटल्स. हर जगह कॉफ़ी लगती है, आप जाओगे तो रूम में भी कॉफ़ी लगती है. हर जगह हम लोग लॉन्च करेंगे. आज स्पेशल डे है और कोविड भी ख़त्म हुआ है, धीरे धीरे मार्केट खुल रहा है, तो हम सोचे कि टुडे इज़ अ गुड डे टू लॉन्च. सर, नेस्कैफे एंड गुडबॉर्न भी है मार्केट में, सो ये क्या डिफरेंट है आपका? नेस्कैफे जो है इंस्टेंट कॉफ़ी है, इट्स लॉट ऑफ केमिकल प्रोसेस है. ये फ्रेश बीन्स है, फ्रेश कॉफ़ी निकलती है उसमें. इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है. दैट इज़ लॉट ऑफ केमिकल विच इज़ नॉट गुड, इट इज़ वेरी बैड फॉर हेल्थ. जो इंस्टेंट कॉफ़ी पीते हैं इट्स वेरी बैड फॉर हेल्थ. This is good for health. Google में है, आप रिसर्च कर सकते हैं. सर, सेकंड थिंग, आपने जैसे कहा कि इंडिया में आप अभी स्टार्ट किए, आपकी जो कॉफ़ी है वो
बाहर जाते हैं जी. सो आपने पहले क्यों सोचा कि इंडिया में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, इंडिया में इंडिया में हम लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे देते हैं. बेसिकली हम लोग काफ़ी एक्सपोर्ट करते थे बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ कॉफ़ी. वी हैव अराउंड 100 एकर्स ऑफ लैंड प्लस वी आर अक्वायरिंग मोर 100 एकर्स ऑफ लैंड इन कुर. तो कॉफ़ी मतलब इट्स ह्यूज बेसिकली. वी कांट कीप एवरीथिंग फॉर आर कंपनी. तो इसलिए हम लोग सोचे कि एक सेगमेंट जो बेस्ट कॉफ़ी का सेगमेंट है जो ये ग्रेड है हम लोग इंडिया में रिटेन करेंगे और बाय का सब हम लोग. मैं कहना चाहूँगा कि मैं पहले चाय पिया करता था और आई हैव स्टार्टेड ड्रिंकिंग कॉफ़ी बिकॉज ऑफ जुल्फी. सीरियसली मैं कॉफ़ी नहीं पीता था पहले, लेकिन जुल्फी का फार्म है वहाँ पे कुरु में और वहाँ से जो कॉफ़ी आती है उसकी बात अलग है. तो आई हैव स्टार्टेड ड्रिंकिंग कॉफ़ी बिकॉज ऑफ जुल्फी ओनली. एंड इस तरह की कॉफ़ी मैंने कभी पी नहीं. आप लोग भी ट्राई करिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त कॉफ़ी है. जिम से पहले मैं ज़रूर पीता हूँ एक कप कॉफ़ी. जी हाँ, मैं वहाँ गया हूँ. मैंने फार्म देखा जुल्फी का और बहुत ही खूबसूरत जगह है और जिस तरह से इतनी प्यार मोहब्बत से उस फार्म को तैयार किया जाता है, जिस तरह से कॉफ़ी निकलती है, फिर उसमें किस तरह से बीन्स बनाए जाते हैं, फिर उसको ग्राइंड किया जाता है, तो बहुत सारा अच्छा प्रोसीजर है. वो देख के बड़ा अच्छा लगता है. इट्स अ कम्प्लीट प्रोसेस. मैंने पहले ही एक्सपीरियंस कर लिया था. बहुत अच्छी कॉफ़ी है और मैं सुबह पीता हूँ. मेरे को इन्होंने गिफ्ट भी दिया है पहले से ही, दे रखा है मुझे लॉन से पहले ही और मेरे को बहुत पसंद आई है. मैं सुबह भी पीता हूँ और शाम को भी पीता हूँ. और बहुत मतलब इनका जो फार्म है, मैं गया नहीं हूँ, कभी विजिट नहीं किया हूँ, बट मैं वीडियो में देखा हूँ. इट्स अ ब्यूटीफुल. It's always good to get good response from friends, family and everyone actually. I hope everything goes well and abhi COVID se abhi bhi har cheez khulne lagi hai Mumbai mein. Abhi 10 baje sab kuch, I hope they open till 12 and 1. Looking forward for that and I can start my supply to all the coffee shops. गाना तो ये अभी मैं एक्चुअली कॉफ़ी पे तो मैं रेडी करके आया है नहीं गाना. तो मतलब हमारा एक गाना आया था अभी पीछे, खुद घर से गाना आया था. तो मैं उसकी दो लाइनें सुना दूंगा आपको. और उसका ये है कि अखियां दे विच नींद गवाची, दिल दा भी चैन खो गया, मैं तां कदे सोचया नहीं सी जो मेरे नाल हो गया. तू मैनू इंज क्यों ठगिया, मैनू पता नहीं लग्या, दिल तेरे हाथों टुटिया, होंदी ए दर्द बड़ी. थैंक यू सो मच. आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़.